आज के सेक्शन में हम AIEEE 2006 से ये लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 0 लेस देन x, x लेस देन पाई एंड cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2 देन tan x इज, ये हमें चार ऑप्शन दिए गए। तो इस क्वेश्चन में आपको tan x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं, तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/4। अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x होता है, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 1/4। अब 1 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो साइन 2x के इक्वल में 1/4 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो साइन 2x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें tan x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे tan की टर्म में, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -3/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इसके साथ करेंगे, तो 8 टाइम टेन एक्स इज इक्वल टू -3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो प्लस का 3 टाइम टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 8 tan x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 a 3 है और इनटू में c 3 है और अपॉन में 2 into 3। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो tan x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और अपॉन में 2 into 3। अब 64 में 36 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा प्लस का, तो tan x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 28 और अपॉन में 2 into 3। tan x इज इक्वल टू रूट 28 को क्या लिख सकते हैं, 2√7, तो -8 प्लस माइनस 2√7 और अपॉन में 2 into 3। अब ऊपर से 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और अपॉन में 2 into 3, 2 से 2 कट गया, मेरे पास आ गया tan x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3। अब देखो जो x की वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में लाई करती है, सिंस x लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0, That means tan x है वो आपका लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि tan x की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, तो therefore tan x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।